आखिरकार तू जो चाहती थी वो हो ही गया, यतीन से तेरा रिश्ता। और कुछ दिन बाद शादी, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक। लेकिन माँ, एक बात का दुख है। किस बात का बेटा? अब से जुदा होने का। माँ, आप मेरे बिना यहाँ पे कैसे रहेंगी? मैं यतन से कहूंगी कि मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आऊंगी। चुप कर, ऐसा भी होता है क्या? माँ, लेकिन आप कैसे रहेंगी मेरे बिना? बाबा और वो अरुणिमा के साथ। बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। देखना, तेरे बाबा भी बदल जाएंगे। देख कैसे ना ना करते करते तेरी शादी के लिए झट से मान गए। स्वागत है आपका। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। पूरी तरह मेरे कब्जे में है, जो कहूंगी वही करेगा। मैंने उनको पूछा भी पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, पता है ही नहीं। क्या हुआ बेटा? वो माँ भी हंसे पे कोई उस दिन भी मेरे कमरे से अचानक गायब हो गई थी। अब भी वही खड़ी थी, मैंने आईने में देखा। तो रुक, मैं देख के आ। बेटा वहां तो कोई नहीं है, शायद तेरा वहम होगा। नहीं माँ, वहम एक बार हो सकता है, हर बार नहीं। अरुणिमा, नमाद बाबू और मेहमानों का ख्याल रखो। आई। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो उस रात तुम जब वॉशरूम से बाहर आए थे। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना था। एक्सक्यूज मी, मैं किसी दाइमा की दाई नहीं हूं। मेरी माँ से भी बढ़कर है दाइमा। आंटी, अब आप इन्हें वॉशरूम तक लेके जाएंगे प्लीज? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आइए ना। हाँ वैष्णवी, हाँ। सुनिए, आप ऐसा करिए, आप बाकी मेहमानों को देखिए, मैं चली जाऊंगी। धन्यवाद। ये मकड़ी तो मेरे चारों तरफ अपने जाल घूमकर मुझे बंदी बना रहे हैं। ये तो मायावी मकड़ी है, इसके सामने तो मेरी शक्ति भी काम नहीं कर रही। दीदी, तुम यहाँ? यही प्रश्न तो मैं तुमसे कर सकती हूँ। युगो युगो बाद
फिर मिल रहे हैं। तुम वैष्णवी के यहाँ? जब तक तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ जो करने आई हूँ करके ही जाऊंगी। क्या करने आई हो तुम? एक और प्रश्न। यही कैद रहो, देर सवेर तुम्हें पता लग ही जाएगा। बेकार की मेहनत करने की कोशिश मत करो, ये मायावी चाल है, तुम्हारे नाजुक हाथों से टूटने वाला नहीं। और अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो अब वो भी नहीं कर पाऊंगी। वो कवच कहाँ गिर गया? अगर दीति और उसके दूतों के हाथ लग गया तो वैष्णवी को और भी खतरा हो जाएगा। वैष्णवी तुम कितना बात कर, और नहीं तो क्या, अब फोन रखो और जल्दी नीचे आओ। महाअसुर हिरण्यकश्यपु और हिरण यक्ष की माता दीति पितरेखा नक्षत्र के काल चक्र में वैष्णवी के घर, ये तो घोर संकट की ओर इशारा कर रहा है। पहले मुझे आनंदी को बचाना होगा। यतिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में तुम्हें वैष्णवी पसंद आने लगी? संभल के रहना, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जब तुम उसे ब्याह कर लाओगे और सुहाग की सेज पर उसका गला दबाओगे